कानपुर साउथ जोन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उन सभी चेहरों पर फिर से खुशी लाने का काम किया जिनके मोबाइल फोन बीते 6 महीने में गुम हो गए थे या चोरी हो गए थे। पुलिस ने करीब 20 लाख कीमत के 75 मोबाइल फोन बरामद किए, उन्हें उनके स्वामियों को रिटर्न किए। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने बताया कि मोबाइल फोन खोने और गुम होने की शिकायतों के बाद साउथ की सर्विलांस टीम लगातार इसको लेकर काम कर रही थी। पुलिस ने इन मोबाइल फोन को कानपुर के अलावा बांदा, उन्नाव, जालौन, लखनऊ, अन्य जगहों से बरामद किया। डीसीपी साउथ ने बताया कि जिनके पास मोबाइल बरामद हुए उनकी भी जांच कराई जा रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जिसमें हमारे पास पिछले 8-6 महीनों में जो भी एप्लीकेशन आए थे, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि उनका मोबाइल कहीं खो गया है, इस संदर्भ में उन्होंने ये प्रेयर करी थी कि सर्विलांस पे लगाकर इसको हमारे जो मोबाइल है उसको ढूंढा जाए। इन सभी एप्लीकेशनों पे हमारे द्वारा, हमारे सर्विलांस और साइबर की टीम है उनके द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा था। जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको समय समय पर किया जा रहा था और ये अथक प्रयास से 75 मोबाइल्स जो है अलग अलग जगहों से बरामद किया गया है। इसमें से कुछ मोबाइल जो है हमारे गैर जनपद से भी बरामद किए गए हैं। इसमें से मुख्य रूप से बांदा, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, कुछ मोबाइल लखनऊ से भी बरामद किए गए हैं और कानपुर के अलग अलग स्थानों से ये मोबाइल बरामद किए गए हैं। आज मोबाइल के जो भी स्वामी हैं उनको बुलाया गया है और तस्दीक करके सभी मोबाइल उनको सुपुर्द कर दिया गया। इसमें चूंकि ये मोबाइल जो खोए हुए थे और जो उनका इस्तेमाल कर रहे थे इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मुकदमे आपराधिक पंजीकृत नहीं है, तो उनसे लेकर ये मोबाइल जो है उनको सुपुर्द किया जा रहा है। कुल 75 मोबाइल बरामद किए गए हैं जिनका जो